देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में यूपीसीएल ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एडीबी के तहत स्वीकृत कई योजना में विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड करना शुरू कर दिया। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने कहा कि विद्युत लाइनों के अंडरग्राउंड होने से जहां शहर में बिजली के पोल हटेंगे, वहीं दूसरी तरफ उन बिजली के पोल पर होने वाले निर्माण से भी विभाग को बचत होगी और विद्युत पोल हटने से शहर का सौंदर्यकरण और बढ़ेगा। स्मार्ट सिटी में भी एक योजना है जिसके अंतर्गत हम लोग एलटी और एचटी लाइन को अंडरग्राउंड कर रहे हैं, साथ साथ अभी एडीबी की एक महत्वाकांक्षी योजना हम लोगों को अप्रूव हुई है जिसमें कि शहर की जो विद्युत आपूर्ति होगी अंडरग्राउंड केबलिंग के माध्यम से होगी। आरएनयूज लगेंगे, रिंग मेन यूनिट्स, जिससे बिजली में आए दिन जो इंटरप्शन होते थे वो एक इंटरप्शन नहीं होंगे। और जब रोड वाइडनिंग होती थी तो शिफ्ट हर बार पोल को शिफ्ट करके बाहर की तरफ ले जाया जाता था, जिसके प्रदेश को और विभाग को बहुत ज्यादा नुकसान होता था, सारा सामान वेस्ट हो जाता था, नए सिरे से उसकी कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था। एक बार कोई भी अगर अंडरग्राउंड केबलिंग कर दी जाएगी तो उसके बाद दोबारा उस लाइन को शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे रेवेन्यू की भी बचत होगी, सौंदर्यीकरण भी होगा, थेफ्ट की में भी कमी आएगी, साथ साथ रिलायबिलिटी ऑफ जो पावर है वो भी बढ़ेगी।